सभी को प्यार भरा नमस्कार। इंपीरियल एग्रो क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा कि आज की जो हमारी क्रॉप है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसके वेरिएशन होने के कारण, इसके प्रकार होने के कारण इसमें बहुत कन्फ्यूज़न रहता है, और जहाँ पर कन्फ्यूज़न पैदा होता है वहीं से एग्जामिनर सवाल उठाता है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको पूरी क्लास को अटेंड करना है। ज़्यादा बड़ी नहीं है, लगभग 45 मिनट की क्लास होगी, उसको आपको पूरा अटेंड करना है। लेकिन इतना ज़रूर कह सकता हूँ मैं कि अगर आपने ये क्लास आज पूरी अटेंड कर ली तो बिल्कुल आपके सारे फंडे, बेसिक फंडे क्लियर हो जाएंगे। तो पूरी क्लास अटेंड करनी है आपको। उससे पहले मैं आपको कुछ बेसिक सी जानकारी दे देता हूँ। देखिए, जो गोभी है इसके लगभग 4 से 5 प्रकार पाए जाते हैं। मैंने पहले भी बताया था, फूल गोभी, पत्ता गोभी, बत्ता गोभी को हम बंद गोभी के नाम से भी जानते हैं। फिर उसके बाद में एक होती है आपकी गांठ गोभी, फिर एक होती है ब्रोकली। ब्रोकली का नाम सुना होगा आपने, ब्रोकली बिल्कुल फूल गोभी की जैसी होती है, लेकिन कलर उसका हरा होता है और वो थोड़ी लंबी होती है। जैसे हमारी जो फूल गोभी होती है वो क्या होती है, वो लगभग गुच्छे टाइप होती है, लेकिन जो ब्रोकली होती है वो थोड़ी लंबी होती है और उसका कलर जो होता है वो हरा होता है। ठीक है, इसके बारे में और बताऊंगा मैं आपके आगे आपको। और इसके अलावा गांठ गोभी मैंने बता दिया, और फिर उसके बाद में एक रेफेनोब्रेसिका एक क्रॉप है जो साइंटिस्ट ने बनाई थी, उसके बारे में भी हम बात करेंगे आगे। तो ये विशेष प्रकार की एक फसल है, तो इसको हमें क्या है, पूरा देखना है, पूरा अटेंड करना है। पूरा अटेंड करोगे तो आपके सारे बेसिक कॉन्सेप्ट एक ही क्लास में क्लियर हो जाएंगे, ताकि आगे भविष्य में आने वाले कोई एग्जाम, जैसे सुपरवाइज़र हो गया या एमपी सुपरवाइज़र हो गया या उत्तर प्रदेश कृषि प्रवेशक परीक्षा हो गई, इन सभी में आपका फंडा क्लियर हो सकता है। इसीलिए इसको पूरा क्लियर करना है, पूरा देखना है आपको। और जो न्यू स्टूडेंट है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली इसी प्रकार की धमाकेदार क्लासेस का आप हिस्सा बन सके। ठीक है, और जो पुराने हैं वो क्या कर लीजिए, लाइक कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा रोमांचक सफर, देखते हैं किस किस प्रकार के क्वेश्चंस हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूछा गया है, बेसिक से शुरुआत करेंगे बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर पूछा गया है, गोभी वर्गीय सब्जियों की उत्पत्ति हुई है, गोभी वर्गीय सब्जियों की उत्पत्ति हुई है। ऑप्शन नंबर ए है आपका ब्रेसिकिस, ऑप्शन नंबर बी है आपका कोलवार्ट, ऑप्शन नंबर सी है आपका वोटवार्ट, और ऑप्शन नंबर डी है आपका कोई नहीं। अब यहाँ पर पूछा गया है कि गोभी वर्गीय जो सब्जियाँ हैं उसकी उत्पत्ति किस पौधे से हुई है, ये पूछा है किस पौधे से हुई है। तो ऑप्शन नंबर ए है आपका ब्रोसकिस, बी है आपका कोलवार्ट, सी है आपका वोटवार्ट, और डी है आपका कोई नहीं। अब बताना है आपको गोभी वर्गीय सब्जियों की उत्पत्ति किससे हुई है, ब्रोसकिस, कोलवार्ट, वोटवार्ट। जिसने इसका जवाब दिया है ब्रोसकिस, गलत जवाब है आपका, ब्रोसकिस नहीं होगा, इसका जवाब होगा कोलवार्ट। अब देखिए समझिए ये कोलवार्ट क्या है। कोलवार्ट एक प्रकार की विशेष प्रकार की जंगली पत्ता गोभी होती है। क्या होती है, कोलवार्ट एक विशेष प्रकार की जंगली पत्ता गोभी होती है, और इसका वैज्ञानिक नाम अगर आपसे पूछ ले तो ब्रेसिका ओलेरेसिया किस्म साइवेस्ट्रिस पूछ सकता है वो आपसे। अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ब्रेसिका ओलेरेसिया तो हर पत्ता गोभी का आगे लगता है, ब्रेसिका ओलेरेसिया, ये सब आप लोग सब लोग जानते हो कि किसी भी गोभी होगी तो गोभी के आगे लगेगा ब्रेसिका ओलेरेसिया, लेकिन उसके पीछे उसकी किस्म का नाम होगा, तो इसी कोलवार्ट किस्म का नाम है साइवेस्ट्रिस। समझ में आ गया, इसी कोलवार्ट किस्म का नाम है साइवेस्ट्रिस। तो वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि कोलवार्ट का वानस्पतिक नाम है, तो जवाब देना है ब्रेसिका ओलेरेसिया किस्म साइवेस्ट्रिस। अगर वो आपसे पूछता है कि गोभी वर्गीय सब्जियों की उत्पत्ति किस पौधे से हुई है, तो एक जंगली पत्ता गोभी होती है, जंगली पत्ता गोभी होती है जिसको कोलवार्ट बोलते हैं, उस कोलवार्ट से सभी गोभी वर्गीय सब्जियों की उत्पत्ति हुई है। बिल्कुल क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला सवाल देखिए क्या है, क्वेश्चन है हमारा गोभी वर्गीय सब्जियों का कुल है, यानी जो गोभी वर्गीय सब्जियां हैं उसकी फैमिली पूछी गई है। तो ऑप्शन नंबर ए है आपका ब्रेसिकेसी, बी है आपका क्रूसीफेरी, सी है आपका ए और बी दोनों, और डी है आपका कोई नहीं। बताइए जल्दी से गोभी वर्गीय सब्जियों का कुल क्या होगा, ब्रेसिकेसी, क्रूसीफेरी, ए और बी दोनों, या ऑप्शन नंबर डी आपका कोई नहीं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्लास बच्चों, ध्यान रखना आपको, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जिसने इसका जवाब दिया है ऑप्शन नंबर सी वाला, ए और बी दोनों बिल्कुल सही जवाब है। जो गोभी वर्गीय सब्जी है उनका कुल माना जाता है ब्रेसिकेसी, और ब्रेसिकेसी को हम क्रूसीफेरी के नाम से भी जानते हैं। तो वहाँ पर आपको ब्रेसिकेसी भी लिखा आ सकता है और क्रूसीफेरी भी लिखा आ सकता है, और दोनों भी लिखे आ सकते हैं। तो बिल्कुल अपने, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाली क्लास है, इसीलिए मैंने इस प्रकार के क्वेश्चंस को ऐड किया है। तो ब्रेसिकेसी और क्रूसीफेरी एक ही चीज़ है, ध्यान रखना। ठीक है, अगला सवाल देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा गोभी वर्गीय सब्जियों का उत्पत्ति स्थान है। अब जो पहले क्वेश्चन था उसमें ये पूछा गया था कि उत्पत्ति किस पौधे से हुई है, अब यहाँ पर पूछा गया कि उत्पत्ति किस स्थान पर हुई है। तो ऑप्शन नंबर ए है आपका भूमध्य सागरीय क्षेत्र, बी है आपका चीन, सी है आपका जापान, और डी है आपका अफ्रीका। बताइए जल्दी से गोभी वर्गीय सब्जियों का उत्पत्ति स्थान क्या माना जाएगा, उत्पत्ति स्थान पूछा गया है यहाँ पर, गोभी वर्गीय सब्जियों का उत्पत्ति स्थान क्या माना जाएगा, भूमध्य सागरीय क्षेत्र, चीन, जापान, या फिर अफ्रीका।
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसने इसका जवाब दिया है ऑप्शन नंबर ए वाला भूमध्य सागरीय क्षेत्र, बिल्कुल सही जवाब है। गोभी वर्गीय सब्जियों का उत्पत्ति स्थान क्या हो जाएगा? भूमध्य सागरीय क्षेत्र इसका उत्पत्ति स्थान माना जाता है, और ये सवाल पीछे पूछा हुआ भी है कि इसका उत्पत्ति स्थान क्या होगा, क्योंकि गोभी वर्गीय जो सब्जियाँ हैं इसमें तीन चार प्रकार की सब्जियाँ आती है, इसीलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक चीज़ और बता दूँ कि भारत से जो सबसे ज़्यादा हम एक्सपोर्ट करते हैं उसमें सबसे ज़्यादा हम एक्सपोर्ट करते हैं एक नंबर पर प्याज का, दूसरे नंबर पर भिंडी का, फिर तीसरे नंबर पर टमाटर है, और टमाटर के बाद में गोभी वर्गीय सब्जी आती है, क्योंकि गोभी का उत्पादन भारत में बहुत ज़्यादा होता है और गोभी भी एक पोस्ट सब्जी मानी जाती है, एक VIP सब्जी मानी जाती है, इसलिए इसका भी हम बाहर भेजते हैं इसके उत्पादन को, ठीक है। अगला सवाल देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फूल गोभी का खाने वाला भाग है, इडिबल पार्ट ऑफ कॉलीफ्लावर। थोड़ा इंग्लिश में बता दूंगा मैं आपको, कुछ स्टूडेंट है जो बोल रहे थे कि इंग्लिश में बताना है सर, तो इंग्लिश में भी मैं साथ साथ बताता रहूँगा आपको। बताइए आप जल्दी से, कॉलीफ्लावर का एडिबल पार्ट पूछा गया है कि कौन सा भाग हम खाते हैं। ऑप्शन नंबर ए है आपका कर्ड, बी है आपका हेड, सी है आपका सोरोसिस, और डी है आपका तना। बताइए जल्दी से, कर्ड, हेड, सोरोसिस या फिर तना, क्या होगा इसका जवाब? फूल गोभी का खाने वाला भाग होगा कर्ड, हेड, सोरोसिस या फिर तना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से जवाब दीजिए इसका क्या होगा। जिसने फूलगोभी का जवाब दिया है कर्ड, बिल्कुल सही जवाब है, आपको कर्ड ही याद रखना है, हिंदी में भी कर्ड होता है, इंग्लिश में भी कर्ड होता है, तो फूलगोभी का खाने वाला भाग कौन सा हो जाएगा? फूलगोभी का खाने वाला भाग कर्ड हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पत्ता गोभी का खाने वाला भाग क्या होगा? क्योंकि मैंने बताया कि गोभी वर्गीय सब्जियाँ हैं और उसमें बहुत सारी सब्जियाँ होती हैं, तो फूलगोभी भी आएगी, पत्ता गोभी भी आएगी, ब्रोकली भी आएगी, गांठ गोभी भी आएगी, लेकिन बेसिकली आपको दो ही जो क्रॉप है उनको याद करना है, एक तो फूलगोभी और एक पत्ता गोभी, बाकी गांठ गोभी, ब्रोकली और जो दूसरी वाली है उनका इतना ज्यादा रोल नहीं है, उनकी दो दो तीन तीन क्वेश्चन मैंने ऐड किए, ठीक है। तो फूल गोभी, पत्ता गोभी का खाने वाला भाग कौन सा हो जाएगा? हेड हो जाएगा। इसको सिर के नाम से भी जानते हैं, लेकिन इसका जो लिखा हुआ आएगा ऑप्शन में वहां पर तो हेड ही आएगा, बेसिकली हेड ही लिखा हुआ आता है। अब इसको याद ऐसे रखना है कि पत्ता गोभी होती है गोल, हमारा सर भी होता है गोल, तो इसी प्रकार से आप याद रख सकते हो कि पत्ता गोभी का खाए जाने वाला भाग यानी कि केबेज का एडिबल पार्ट, केबेज का एडिबल पार्ट क्या हो जाएगा? हेड हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गांठ गोभी का खाने वाला भाग। अब गांठ गोभी जिसको नहीं पता है उसको मैं बता दूं कि गांठ गोभी का मतलब होता है नोल कॉल, KNOL, फिर वापस से KNOL, नोल कॉल बोलते हैं इसको इंग्लिश में, इसको क्या बोलते हैं? नोल कॉल बोलते हैं इसको। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि नोल कॉल का खाने वाला भाग कौन सा है, तो नोल कॉल का खाने वाला भाग क्या हो जाएगा? तना हो जाएगा। नोल खोल या जो गांठ गोभी होती है उसका खाने वाला भाग होता है तना। अब बेसिकली जो गांठ गोभी होती है इसकी प्रकृति ऐसी होती है कि ये इसका एक रूपांतरित तना होता है। गोभी वर्गीय जो सब्जियां होती हैं, गोभी वर्गीय सब्जियों को भी क्या कहते हैं ये भी मैं बता देता हूं आपको। गोभी वर्गीय जो सब्जियां होती है उसको इंग्लिश में कॉल क्रॉप के नाम से जानते हैं, और जो कुकुरबिटेसी वाली सब्जियां होती है उसको हम कुकुरबिट्स के नाम से जानते हैं, और कुकुरबिटेसी को कुष्मांडकुल भी कहते हैं। तो ये थोड़े से कंफ्यूज करने वाले सवाल थे, मैंने बता दिया आपको। अब देखिए वापस से मुद्दे की बात करते हैं, क्वेश्चन क्या है कि गांठ गोभी का खाने वाला भाग। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि आपको प्रत्येक सब्जी का इंग्लिश नाम आना चाहिए, चाहे आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो या इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो, अगर आपको लंबी रेस का घोड़ा बनना है तो, और सिर्फ काम ही चलाना है तो छोटे मोटे क्वेश्चन पढ़ लेना, सिलेक्शन थोड़ा कोई पुराना कोई छोटा मोटा कॉलेज मिल जाएगा उससे BSc कर लेना, लटकते लटकते फिर उससे कोई फायदा भी नहीं है उस BSc का। आपको हमेशा आपकी जो तैयारी रखनी है वो बिल्कुल सटीक ढंग से रखनी है और बिल्कुल मजबूत तैयारी रखनी है, ताकि जब आए एकदम से आया सुपरवाइजर की वैकेंसी और एकदम से एग्जाम दिया, फॉर्म भरा और नौकरी, तो ऐसा काम करना है हमने को, तो पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर करने। तो गांठ गोभी का खाया जाने वाला भाग, गांठ गोभी को क्या कहते हैं? नोल खोल के नाम से जानते हैं, और नोल खोल का एडिबल पार्ट पूछ ले या खाने वाला भाग पूछ ले तो आपको जवाब देना है तना। अब बेसिकली जो गांठ गोभी होती है वो क्या होती है? उसका उपयोग मुख्य रूप से सलाद के रूप में किया जाता है, सब्जी बनाने में इसका उपयोग बहुत कम किया जाता है, इसका उपयोग मुख्य रूप से सलाद के रूप में किया जाता है, क्योंकि इसका जो टेस्ट और प्रकृति होती है वो बहुत ही टेस्टी होता है। ये मैंने खाई हुई भी है 4-5 बार, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है और इसको सलाद के रूप में खाया जाता है, ठीक है। अगला सवाल देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गांठ गोभी का वानस्पतिक नाम होगा। अब मैंने हिंदी नाम अभी बताया, इंग्लिश नाम अभी बताया आपको कि इसको नोल खोल के नाम से भी जानते हैं। नोल खोल में स्पेलिंग जो होगी वो कैसे स्टार्ट होगी, नोल में भी कैसे स्टार्ट होगी और खोल में भी कैसे स्टार्ट होगी, ठीक है। तो नोल खोल कहते हैं इसको। अब देखिए वानस्पतिक नाम पूछा है, तो ब्रेसिका ओलेरेसिया किस्म, वोट्राइटिस, कैपिटाटा, कोलोरापा या नेपा ब्रेसिका, क्या होगा इसका जवाब? बताइए जल्दी से, गांठ गोभी का वानस्पतिक नाम क्या होगा?
अब जिसने इसका जवाब दिया है ब्रेसिका ओलेरेसिया किस्म कोलोरापा, ऑप्शन सी नंबर वाला जवाब दिया है, बिल्कुल सही जवाब है। जो घाट गोभी का वानस्पतिक नाम होता है वो ब्रेसिका ओलेरेसिया किस्म कोलोरापा होता है, ठीक है, किस्म ओलोरापा होता है। अगर आपसे पत्ता गोभी का पूछ ले तो पत्ता गोभी का हो जाएगा केपी टाटा, ठीक है। अगर आपसे फूल गोभी का पूछ ले तो फूल गोभी का क्या हो जाएगा, वोट्राइटिस, ठीक है। ये तीनों ही नाम इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसके नीचे नीचे दिया गया है ब्रेसिका ओलेरेसिया किस्म नेपा ब्रेसिका। अब नेपा ब्रेसिका मतलब क्या होता है, देखिए नेपा ब्रेसिका एक विशेष रूप से एक रेफेनोब्रेसिका एक क्रॉप है, वो होती है, मानव निर्मित सब्जी भी इसको कहते हैं, और इसी का वैज्ञानिक नाम है ये। कभी बताऊंगा आपको विस्तार से रेफेनोब्रेसिका क्रॉस कैसे हुआ था। अब नेक्स्ट देखिए क्या है, अगला सवाल है हमारा पत्ता गोभी का वानस्पतिक नाम। तो अभी मैंने बताया था जस्ट आपको पत्ता गोभी का वानस्पतिक नाम, अब आपको लाइव चैट बॉक्स में बताना है इसका आंसर क्या होगा। पत्ता गोभी का वानस्पतिक नाम बताइए, जल्दी से कमेंट करके बताइए मुझे पत्ता गोभी का वानस्पतिक नाम क्या होगा। जिसने इसका जवाब दिया है, जिसने इसका जवाब दिया है ऑप्शन नंबर बी वाला ब्रेसिका ओलेरेसिया किस्म केपी टाटा, बिल्कुल सही जवाब है। पत्ता गोभी का वानस्पतिक नाम ब्रेसिका ओलेरेसिया किस्म केपी टाटा हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फूल गोभी का वानस्पतिक नाम क्या होगा, कमेंट करके बताइए इसका नाम क्या होगा। अभी बताया मैंने फूल गोभी का वानस्पतिक नाम, फूल गोभी को कॉलीफ्लावर के नाम से जानते हैं और बोटेनिकल नेम कहते हैं वानस्पतिक नाम को, तो बोटेनिकल नेम ऑफ कॉलीफ्लावर क्या हो जाएगा, बोटेनिकल नेम ऑफ कॉलीफ्लावर पूछा गया है क्या होगा, ब्रेसिका ओलेरेसिया किस्म वोट्राइटिस। जिसने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर ए वाला, बिल्कुल सही जवाब है, फूलगोभी का वानस्पतिक नाम हो जाएगा ब्रेसिका ओलेरेसिया किस्म वोट्राइटिस, ठीक है। अगला सवाल देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला सवाल है फूलगोभी का फल का प्रकार। अब फूलगोभी के फल का प्रकार बताना है, जो मैंने पहले बताया था आपको वो उसका खाने वाला भाग था, तो बच्चे यही कन्फ्यूज होते हैं वो खाने वाले भाग यानी कि एडिबल पार्ट में और फल के प्रकार यानी कि टाइप ऑफ फ्रूट में कन्फ्यूज हो जाते हैं, और फिर फूलगोभी का फल का प्रकार कर देते हैं खाने वाले भाग में और खाने वाले भाग कर देते हैं फल के प्रकार में। तो अब आपको कंसेप्ट क्लियर करना है, देखिए फूलगोभी का फल का प्रकार या टाइप ऑफ फ्रूट पूछा है, तो ऑप्शन नंबर ए है आपका सिलिकुआ, बी है आपका कट, सी है आपका ए और बी दोनों, और ऑप्शन नंबर डी है आपका रेसिन। अब जवाब दीजिए फूलगोभी का फल का प्रकार क्या होगा, देखिए जिसको नहीं आता कोई दिक्कत नहीं, इसका जो फल का प्रकार होगा वो होगा सिलिकुआ। फूलगोभी का भी सिलिकुआ होता है, पत्ता गोभी का भी सिलिकुआ होता है, फूलगोभी का भी सिलिकुआ और पत्ता गोभी का भी सिलिकुआ, अभी आपको ये सिर्फ दो ही याद रखने हैं, ठीक है। अगला सवाल देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसका आंसर बता दिया है मैंने क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सिलिकुआ, ठीक है, फूलगोभी का भी सिलिकुआ, पत्ता गोभी का भी सिलिकुआ। अगला सवाल देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पत्ता गोभी का फल का प्रकार। तो अभी बता दिया मैंने पत्ता गोभी का फल का प्रकार, बताइए जल्दी से लाइव चैट बॉक्स में कमेंट करके बताइए क्या होगा इसका जवाब, पत्ता गोभी के फल का प्रकार क्या होगा, पत्ता गोभी के फल का प्रकार बताना है आपको क्या होगा। जिसने इसका जवाब दिया है ऑप्शन नंबर ए वाला सिलिकुआ, बिल्कुल सही जवाब है, सिलिकुआ बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। अगला सवाल देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फूलगोभी हेतु सही कथन है। अब फूलगोभी हेतु सही कथन पूछा गया है कि फूलगोभी के संबंध में यहाँ पर कौन सा कथन सही है। एक क्वेश्चन आपके जरूर आएगा जेट में, वो चाहे वो आपके बायोलॉजी सेगमेंट में आए या आपके एग्रीकल्चर सेगमेंट में आए, लेकिन इस प्रकार का एक क्वेश्चन जरूर आएगा जिसमें वो आपको तीन लाइनें देगा या चार लाइनें देगा और उसमें कहेगा कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। तो अब देखिए क्या है, फूलगोभी हेतु सही कथन ऑप्शन नंबर ए है, बीज उत्पादन पहाड़ी क्षेत्र में किया जाता है, जी बिल्कुल किया जाता है। ऑप्शन नंबर दूसरा क्या है, द्विवर्षीय फसल है, जी बिल्कुल है। और ऑप्शन नंबर तीसरा क्या है, ए और बी दोनों, और ऑप्शन नंबर डी है आपका रेसिन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका सी वाला आंसर हो जाएगा, उत्पादन भी पहाड़ी क्षेत्रों में किया जाता है, और क्या किया जाता है, ये द्विवर्षीय फसल होती है, एक वर्ष वानस्पतिक वृद्धि और दूसरे वर्ष इसका बीज उत्पादन होता है, ठीक है। तो समझ में आ गया, अब इसको थोड़ा सा वापस से क्लियर कर देता हूँ मैं, आपको दूसरी लाइन समझ में नहीं आई होगी, इसका तो आंसर तो होगा ये। अब देखिए क्या होता है कि फूलगोभी में क्या होता है कि अगर आपको बीज उत्पादन के लिए उसको उगाना है, बीज उत्पादन के लिए अगर आपको फूलगोभी को उगाना है तो क्या किया जाता है, उसमें फूलगोभी को एक साल तो उगाया जाता है, तो उसकी ग्रोथ होती है, उस पर फूल लगता है, फूल लगने के बाद में उसमें उसकी ग्रोथ होती जाती है, लेकिन उसका जो बीज उत्पादन होता है वो दूसरे वर्ष होता है, दूसरे वर्ष उसमें बीज बनने चालू हो जाते हैं, और अगर आप बीज के लिए उगा रहे हो तो आपको दो साल का इंतजार करना पड़ेगा। फिर इसके बाद में ये है बीज उत्पादन। अब बीज उत्पादन देखिए, बेसिकली जो बीज उत्पादन किया जाता है वो पहाड़ी और मैदानी दोनों ही क्षेत्रों में किया जाता है। कहाँ पर किया जाता है, पहाड़ी और मैदानी दोनों ही क्षेत्रों में किया जाता है, लेकिन यहाँ पर इस क्वेश्चन की दृष्टि से यहाँ पर ये वाला ठीक बैठता है कि बीज उत्पादन पहाड़ी क्षेत्र में किया जाता है। अगर यहाँ पर लिखा होता है सिर्फ पहाड़ी क्षेत्र में किया जाता है तो फिर ये गलत हो जाता है।
तो सिर्फ एक शब्द के अंतर पूरा आंसर बदल गया हमारा। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस आपसे बार बार पूछे जाएंगे वहाँ पर, ठीक है। अब देखिए, फूल गोभी भी दो प्रकार की होती है, एक भारतीय वर्ग की फूल गोभी होती है और एक यूरोपियन वर्ग की फूल गोभी होती है। भारतीय वर्ग की जो फूल गोभी होती है उसका जो बीज उत्पादन किया जाता है वो हमेशा पहाड़ी और मैदानी दोनों क्षेत्रों में किया जाता है। कहाँ पर किया जाता है? पहाड़ी और मैदानी दोनों क्षेत्रों में किया जाता है। लेकिन जो यूरोपियन होती है उसमें एक प्रॉब्लम होती है, उसका जो हमेशा बीज उत्पादन कार्य किया जाएगा वो सिर्फ और सिर्फ पहाड़ी क्षेत्रों पर ही किया जाता है। अब आलू का भी मैं बता दूं, आलू का भी बीज उत्पादन जो किया जाएगा वो पहाड़ी क्षेत्रों में किया जाएगा। इसके पीछे की कहानी सुनिए। देखिए क्या होता है, जो जो आपके मैदानी क्षेत्र होते हैं वहाँ पर क्या होता है, क्लाइमेट थोड़ा गर्म होता है और थोड़ी नमी जो होती है वो गर्म के साथ थोड़ी नमी भी उपस्थित होती है। तो इसके कारण क्या होता है, इस नमी के कारण जो छोटे सूक्ष्म जीवाणु हैं जो मृदा में उपस्थित हैं या वायु में उपस्थित हैं या फिर वो कवक हो सकता है, जीवाणु हो सकता है, वायरस हो सकता है, वो उस बीज को जल्दी से इन्फेक्टेड कर देता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, बीज उत्पादन करने के लिए पहाड़ी क्षेत्रों का चुनाव करते हैं। उन पहाड़ी क्षेत्रों में क्या होता है कि वहाँ पर एक तो जो तापमान होता है वो कम होता है और जो नमी होती है वो हालांकि ठीक ठाक होती है नमी भी वहाँ पर, लेकिन वो जो मिट्टी होती है वो बिल्कुल प्योर होती है वहाँ की मिट्टी, और वहाँ का जो क्लाइमेट होता है वो बिल्कुल सूटेबल होता है बीज उत्पादन करने के लिए, ठीक है। इसीलिए मुख्य रूप से जब बीज उत्पादन की बात आती है तो विभिन्न प्रकार की जो प्राइवेट कंपनीज है और जितने भी हमारे भारत के अनुसंधान केंद्र है उनका जो विशेष रूप से बीज उत्पादन किया जाता है, किसी किसी का, किसी में अगर आपको रोगरोधी किस्म बनानी है तो उसको आप उसके लिए आपको पहाड़ी क्षेत्र का चुनाव करना पड़ेगा और वहाँ पर क्या करना पड़ेगा, आपको बीज उत्पादन करना पड़ेगा। अब देखिए एक चीज़ और बता देता हूँ, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, तो केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र है कुफरी शिमला में। कहाँ पर है? कुफरी शिमला में, और शिमला है आपका हिमाचल प्रदेश में, और आप सब लोग अच्छी तरह से जानते हो हिमाचल प्रदेश एक पहाड़ी क्षेत्र है, और पहाड़ी क्षेत्र में वहाँ पर क्यों खोला गया उसको? अब आप कहोगे कि सर पहाड़ों में जाके क्यों खोला, तो वजह यही होती है उसकी कि वहाँ पर क्या होता है, रोगों का प्रसार कम होता है, रोग कम लगते हैं, कीट कम लगते हैं, और मिट्टी वहाँ की और वहाँ की जो कंडीशन होती है वो बिल्कुल सूटेबल रहती है बीज उत्पादन करने के लिए। तो अब आपको समझ में आ गया होगा, अब जब भी आप पढ़ो कि पहाड़ी क्षेत्र, तो समझ जाना कि बीज उत्पादन हेतु उपयुक्त माना जाता है। थोड़ा एक्सप्लेन करना पड़ता है आपको क्योंकि इंपोर्टेंट क्रॉप है। अगला सवाल देखिए क्या है, नेक्स्ट है फूल गोभी हेतु, ये हो गया ये वाला सवाल। अगला सवाल है फूल गोभी का अंकुरण कितने तापमान पर होता है। अब देखिए फूल गोभी का अंकुरण पूछा गया है कितने तापमान पर होता है। ऑप्शन नंबर ए है आपका 0 डिग्री, बी है आपका 4 डिग्री, सी है आपका 5 डिग्री और डी है आपका 6 डिग्री। बताइए जल्दी से फूल गोभी का अंकुरण कितने तापमान पर होता है, 4 डिग्री पर, 0 डिग्री पर, 5 डिग्री पर या फिर 6 डिग्री पर। आप सब लोग जानते हैं फूल गोभी कब आती है, फूल गोभी सर्दियों के मौसम में आती है। बताना है आपको क्या होगा इसका जवाब। देखिए इसका जो जवाब होगा वो होगा 0 डिग्री सेल्सियस। कितना हो जाएगा? 0 डिग्री सेल्सियस। तो फूलगोभी का अंकुरण अगर आपसे पूछ लिया जाए कि फूलगोभी का अंकुरण कितने डिग्री सेल्सियस तापमान पर होता है, तो 0 डिग्री सेल्सियस तापमान पर होता है, ठीक है, क्लियर है। अगला सवाल देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फूलगोभी का टेस्ट वेट। ऑप्शन नंबर ए है 1 ग्राम, 2 ग्राम, 3 ग्राम या 4 ग्राम। अब आपको लाइव चैट बॉक्स में कमेंट करके बताना है फूलगोभी का टेस्ट वेट कितना होता है। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे, फिर मत कहना कि सर आपने बताया नहीं, मैं तो बता रहा हूँ लेकिन आप कंटिन्यू नहीं देख रहे हो, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको अटेंड करना है पूरा का पूरा। तो बताइए जल्दी से इसका क्या जवाब होगा, फूल गोभी का जो टेस्ट वेट होता है वो कितना होता है, 3 ग्राम। कितना होगा? 3 ग्राम। लेकिन मैंने एक फसल का और बताया था आपको कि इसका टेस्ट वेट भी इतना होता है, उस क्रॉप का नाम आपको बताना है, क्या होगा उसका जवाब बताइए जल्दी से लाइव चैट बॉक्स में। 3 ग्राम और किसका होता है, 3 ग्राम और किसका होता है बताइए जल्दी से। देखिए फूल गोभी का तो 3 ग्राम होता है, बिल्कुल सही जवाब है, लेकिन इसके अलावा जो प्याज की हमारी फसल होती है उसका भी टेस्ट वेट 3 ग्राम होता है। तो प्याज की फसल का टेस्ट वेट भी 3 ग्राम होगा और फूल गोभी का टेस्ट वेट भी 3 ग्राम होगा। देखिए सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कराए जाएंगे इंपीरियल एग्रो क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आप जो भी ये क्लास अटेंड कर रहे हो ये कहाँ पर कर रहे हो, ये इंपीरियल एग्रो क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर कर रहे हो, ठीक है। अगर न्यू स्टूडेंट हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, अगर ओल्ड स्टूडेंट हो तो वीडियो को लाइक कर दें ताकि आगे आने वाली सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहें। आज 5-6 वीडियोज़ आएंगे आपके पास,
क्लास का टाइम तो वही रहेगा, शाम को ठीक 6:30 बजे क्लास लगा दूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है। और शाम को 8:30 बजे भी क्लास लगेगी। सुबह 10 बजे वाला अभी तक सेटलमेंट नहीं हो पा रहा है, क्या करें, मजबूरी है कुछ हमारी। लेकिन इसके बीच में कुछ छोटी छोटी दो दो तीन तीन मिनट की वीडियो भी आएंगी, जैसे एक दो दिन पहले आई थी कन्फ्यूज़ करने वाली, वेराइटी वाली, इस प्रकार की वीडियो आज बहुत ज़्यादा आएंगी और सारी की सारी इंपॉर्टेंट है। तो आज आपको देखना है, लगभग 4-5 वीडियो आएंगी आज, छोटी छोटी 5-5 मिनट की, वो सभी को देखनी है। तो चैनल के साथ लगातार अपडेट रहना है आपको आज, ठीक है। अब देखिए, फूलगोभी का टेस्ट वेट बता दिया मैंने 3 ग्राम, पत्ता गोभी सॉरी प्याज का टेस्ट वेट बता दिया मैंने 3 ग्राम। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फूलगोभी की अगेती किस्में। अब किस्मों में बहुत ज़्यादा वेरिएशन है। फूलगोभी की जो किस्में हैं वो 3 प्रकार की किस्में हैं। कौन कौन सी है? एक होती है अगेती, एक होती है मध्यम, एक होती है पचेती। अब जिसको अगेती, मध्यम, पचेती नहीं पता है, मैं वापस से बता देता हूँ। अगेती का मतलब होता है अर्ली वेराइटीज़, यानी कि जो सोइंग टाइम होता है उसका, उस सोइंग टाइम से पहले सोइंग कर देना, बुआई कर देना, ठीक है। फिर उसके बाद में होता है मध्यम। मध्यम का मतलब होता है ऑन टाइम सोइंग, मतलब बिल्कुल ठीक समय पर उसकी बुआई करना, वो मध्यम किस्म कहलाती है। फिर उसके बाद में होता है पचेती। पचेती का मतलब होता है लेट सोइंग करना या सोइंग टाइम के बाद में सोइंग करना, ठीक है। तो ये होता है अगेती, मध्यम और पचेती। अब ठीक है, अब यहाँ पर पूछा गया है कि फूलगोभी की अगेती किस्म कौन सी है, अर्ली वेराइटी पूछा गया है यहाँ पर। अब अर्ली वेराइटी ऑप्शन नंबर ए है आपका पूसा मेघना, बी है आपका पूसा केतकी, सी है आपका पूसा दीपाली और डी है आपका उपरोक्त सभी। बताइए जल्दी से, फूल गोभी की अगेती किस्म कौन सी होगी? फूल गोभी की अगेती किस्म कौन सी होगी? पूसा मेघना, पूसा केतकी, पूसा दीपाली या उपरोक्त सभी? बताइए जल्दी से, फूल गोभी की अगेती किस्म पूसा मेघना, पूसा केतकी, पूसा दीपाली या फिर उपरोक्त सभी? क्या होगा इसका जवाब? देखिए, जिसने इसका जवाब दिया है, फूलगोभी का जिसने जवाब दिया है, अगेती किस्म का जिसने जवाब दिया है, तो उसका जवाब हो जाएगा पूसा मेघना। पूसा मेघना जो है वो क्या है? अगेती किस्म है। पूसा मेघना कौन सी किस्म है? पूसा मेघना अगेती किस्म है। फिर इसके बाद में दूसरा है पूसा केतकी, ये भी एक अगेती किस्म है। फिर इसके बाद में पूसा दीपाली, ये भी एक अगेती किस्म है। तो ऑप्शन नंबर डी जब आप देखते हो तो उपरोक्त सभी मिलता है आपको, और इसका आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी हो जाएगा। क्योंकि मैंने जानबूझकर इसको इस वे में समझाया है, क्योंकि आप क्या करते हो, फूलगोभी की अगेती किस्म पहला ऑप्शन पड़ा पूसा मेघना, हाँ मेघना, और वो वहाँ पर कर देते हो आप, और नीचे वाले ऑप्शन नहीं देखते हो। तो आपको सारे ऑप्शन देखना है समझ में, बिल्कुल आप क्वेश्चन को समझ में, आपको अगर आपने क्वेश्चन एक बार भी पढ़ा होगा और मतलब पीछे एक बार भी तैयारी में पढ़ा होगा और एग्जाम में एक बार ढंग से पढ़ लोगे, तो मैं ये कह सकता हूँ गारंटी के साथ, लगभग आप उस क्वेश्चन को 50% तक सॉल्व कर लोगे। अगर ढंग से पढ़ा होगा तो आंसर आपको वैसे भी आ जाएगा, ठीक है। तो डरना नहीं है बिल्कुल एग्जाम से, बस तैयारी को अच्छे बनाए रखना है, ठीक है। तो फूलगोभी की अगेती किस्म मेघना भी है, केतकी भी है और दीपाली भी है, ठीक है। अगला सवाल देखिए, उससे पहले मैं एक कन्फ्यूजन क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पर दिया गया है पूसा केतकी। अगर इस केतकी की जगह आपको पूछ ले कि पूसा चेतकी किसकी किस्म है, पूसा चेतकी किसकी किस्म है, तो पूसा चेतकी का आपको जवाब देना है मूली की किस्म है। किसकी किस्म है? पूसा चेतकी मूली की किस्म है और पूसा केतकी फूल गोभी की किस्म है, ठीक है। क्लियर हो गया। अगला सवाल देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फूलगोभी की मध्यम किस्म है। अब मध्यम किस्म पूछा गया है, यानी कि ऑन टाइम सोइंग, यानी बिल्कुल ठीक समय पर बुआई करना। तो ऑप्शन नंबर ए है आपका पूसा शुभ्रा, बी है आपका पूसा स्नोबाल, सी है आपका पूसा दीपाली और डी है आपका पंत गोभी। बताइए क्या होगा इसका जवाब। फूलगोभी की मध्यम किस्म पूछा है, फूलगोभी की मध्यम किस्म जिसने जवाब दिया है, देखिए जिसने इसका जवाब दिया है पूसा शुभ्रा, बिल्कुल सही जवाब है। जो पूसा शुभ्रा वेराइटी है वो फूलगोभी की मध्यम किस्म मानी जाती है। और एक चीज़ और बता देता हूँ, ये एक ना एक वेराइटी आपसे ज़रूर से पूछेगा, क्योंकि जहाँ पर कन्फ्यूज़न पैदा होता है वहीं से एग्जामिनर सवाल उठाता है। तो आपने इतनी वेराइटीज़ याद करी, हाँ आपने याद करी होगी, सबने याद करी, लेकिन जो इन वेराइटीज़ को याद करेगा वही अव्वल दर्जे का स्टूडेंट निकलेगा, ठीक है। तो फूलगोभी की मध्यम किस्म कौन सी हो गई? पूसा शुभ्रा, इसकी मध्यम किस्म, ठीक है। अगला सवाल देखिए क्या है। नेक्स्ट किस्म है हमारी कि फूलगोभी की पछेती किस्म, यानी कि लेट सोइंग वेराइटी कौन सी है। फूलगोभी की पछेती किस्म बताना है आपको, क्या होगा इसका जवाब? पूसा शुभ्रा, पूसा स्नोबाल, पूसा दीपाली और पंत गोभी। बताइए जल्दी से, फूलगोभी की पछेती किस्म कौन सी होगी? फूलगोभी की पछेती किस्म कौन सी होगी? फूलगोभी की पछेती किस्म बताना है आपको। जिसने इसका जवाब दिया है, फूलगोभी की पछेती किस्म का जिसने जवाब दिया है, पूसा स्नोबॉल, बिल्कुल सही जवाब है। पूसा स्नोबॉल जो होती है वो क्या होती है? स्नोबॉल जो होती है वो एक पछेती किस्म, यानी कि लेट सोइंग वेराइटी मानी जाती है। यानी कि जब बुआई का या सोइंग का समय निकल जाता है तो उसके बाद में उसकी बुआई की जाती है, ठीक है। क्लियर है। अगला सवाल देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
फूल गोभी की पछेती बीज दर। अब लेट सोइंग बीज दर पूछा गया है, हमेशा जो ऑन टाइम सीड रेट रहेगी मध्यम, यानी कि जो समय पर, उपयुक्त समय पर जो सीड रेट रहेगी वो बिल्कुल सटीक रहेगी। अगर समय के पहले या बाद में कर रहे हो तो बीज दर का अधिक उपयोग किया जाएगा, जो सीड रेट होगी वो ज़्यादा उपयोग में लेंगे। ज़्यादा क्यों उपयोग में लेंगे? क्योंकि क्लाइमेटिक कंडीशन बीज के अनुसार नहीं रहेगी, जलवायु की दशाएं बीज के अनुसार नहीं रहेगी, तो बीज अंकुरण कम होता है, तो बीज अंकुरण कम होगा तो उत्पादन कम प्राप्त होगा हमें। इसलिए हम क्या करते हैं, बीज को ज़्यादा डालते हैं तो उत्पादन जो अंकुरण होता है वो लगभग ठीक ठाक हो जाता है। ठीक है, समझ में आ गया। इसलिए हम क्या करते हैं, अगेती और पछेती जो होती है उसमें बीज दर का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो अब फूल गोभी की पछेती बीज दर पूछा गया है आपसे, क्या होगा इसका जवाब? ऑप्शन नंबर ए है आपका 450 से 500 ग्राम, फिर बी 350 से 450 ग्राम, फिर 300 से 350, फिर 250 से 300 ग्राम। बताइए जल्दी से फूल गोभी की पछेती बीज दर का क्या होगा? फूल गोभी की पछेती बीज दर क्या हो जाएगी? जिसने इसका जवाब दिया है, फूल गोभी की पछेती बीज दर का जवाब दिया है 450 से 500 ग्राम, बिल्कुल सही जवाब है। जो फूल गोभी की पछेती बीज दर होती है वो कितनी होती है? 450 से 500 ग्राम मानी जाती है। ठीक है, समझ में आ गया फूल गोभी की बीज दर। अगला सवाल देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फूल गोभी की पछेती बीज दर आ गया है, पछेती बीज दर क्वेश्चन दो बार आ गया। अब नेक्स्ट क्या है, फूलगोभी की पछेती फसल से उपज। अब उपज पूछा गया है कि उपज कितना होगा, उपज बताना है आपको। अब देखिए इस क्वेश्चन का भी मैं फंडा क्लियर कर देता हूँ, यहाँ पर पछेती नहीं, अगर अगेती पूछ ले आपसे, फूलगोभी की अगेती बीज दर आपसे पूछ ले तो उसका जवाब देना है आपको 600 से 650। कितना दोगे? 600 से 650 दोगे। यहाँ पर पछेती की जगह अगेती ही लिखा हुआ था लेकिन मिसप्रिंट हो गया। तो फूलगोभी की अगर आपसे पूछा जाता है कि अगेती किस्म कौन सी होगी, तो अगेती किस्म का क्या जवाब दोगे? 600 से 750 ग्राम। अगर आपसे पछेती किस्म पूछा जाता है तो पछेती किस्म का जवाब क्या हो जाएगा? 450 से 500 ग्राम हो जाएगा। अब अगला सवाल देखिए, यहाँ पर पूछा गया है कि फूलगोभी की पछेती फसल से उपज कितनी प्राप्त होगी। अगर हमने पछेती फसल की बुआई की है तो उससे उपज हमें कितनी प्राप्त होती है, इसका जवाब देना है आपको। ऑप्शन नंबर ए है आपका 12 से 15 टन, बी है आपका 20 से 30 टन, सी है आपका 10 से 13 टन, और डी है आपका 8 से 10 टन। बताइए जल्दी से फूलगोभी की पछेती फसल से उपज कितनी प्राप्त होगी। फूलगोभी की पछेती फसल से उपज कितनी प्राप्त होती है? 12 से 15 टन, 20 से 30 टन, 10 से 13 टन या 8 से 10 टन? जिसने इसका जवाब दिया है, फूलगोभी की पछेती फसल से उपज का जिसने जवाब दिया है, 12 से 15 टन बिल्कुल सही जवाब है, 20 से 30 टन बिल्कुल सही जवाब है। जो पछेती किस्में होती है उससे उत्पादन मिलता है 20 से 30 टन। अगर आपसे अगेती का पूछ ले कि अगेती से कितना उपज मिलता है, तो अगेती से जो मिलता है वो मिलता है 12 से 15 टन। तो ध्यान रखना, वो आपसे जरूर से पूछेगा ये सवाल, वो पूछेगा कि पछेती किस्मों से कितनी उपज प्राप्त होती है, तो 20 से 30 टन प्राप्त होती है। अगेती किस्मों से कितनी प्राप्त होती है, तो 12 से 15 टन प्राप्त होती है। ठीक है, अगला सवाल देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फूलगोभी अगेती फसल से उपज। अब अगेती का बताना है, मैंने पीछे बताया पछेती का बता दिया मैंने आपको कि पछेती का होता है 20 से 30 टन, अब अगेती का क्या हो जाएगा? 12 से 15 टन। तो फूलगोभी की अगेती किस्म से उपज कितनी प्राप्त होगी? 12 से 15 टन उपज प्राप्त होती है। ठीक है, क्लियर है। अगला सवाल देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फूलगोभी का भंडारण किस तापमान पर करते हैं। फूलगोभी का भंडारण किस तापमान पर करते हैं? ऑप्शन नंबर ए है आपका 0 डिग्री, बी है आपका 2 डिग्री, 4 डिग्री और 6 डिग्री। अब बताइए जल्दी से, फूलगोभी का भंडारण भी याद करवा दूंगा आपको अभी मैं, और फूलगोभी का अंकुरण भी आपको याद करवा दूंगा। अमेजिंग ट्रिक है बहुत ही। बताइए जल्दी से क्या होगा इसका जवाब। देखिए जो इसका जवाब दिया है जिसने, ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल सही जवाब है। फूलगोभी का जो भंडारण यानी कि स्टोरेज किया जाता है, जो कॉलीफ्लावर का जो स्टोरेज किया जाता है, वो स्टोरेज किया जाता है 0 डिग्री सेल्सियस पर। कहाँ पर किया, कब, कितने डिग्री पर किया जाता है? 0 डिग्री सेल्सियस पर किया जाता है। और इसके अलावा इसका जो अंकुरण होता है वो भी लगभग 0 डिग्री सेल्सियस पर होता है। तो अंकुरण भी 0 डिग्री सेल्सियस पर होगा और भंडारण भी इसको क्या करेंगे, 0 डिग्री सेल्सियस पर करेंगे। अगर इसके लिए आपसे मिट्टी पूछ लेता है कि मिट्टी कौन सी मानी जाती है, तो मैं बता रखा है मैंने कि मिट्टी का अगर आपको सवाल वैसे स्पेसिफिक बहुत कम पूछा जाता है, वो कपास की काली मिट्टी का ही पूछेगा। ज़्यादातर वो आपसे पूछेगा कि कपास के लिए कौन सी मिट्टी चाहिए, तो काली मिट्टी जवाब देना है। पूछ ले कि कहाँ पर होती है, तो कोटा संभाग में सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि तीनों के, काली मिट्टी, कपास और कोटा, तीनों के आगे के आ रहा है। वो एक अमेजिंग ट्रिक बताई थी मैंने आपको लास्ट, मतलब पीछे जो क्लास हुई थी उसमें। तो अगर आप नहीं थे तो अब आप ऐसी कोई अमेजिंग ट्रिक मिस नहीं करना चाहते हो, तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब फूलगोभी का भंडारण और अंकुरण 0 डिग्री पर होगा, ये बता दिया मैंने। और अगर पूछ ले मिट्टी, बलुई दोमट मिट्टी होनी चाहिए 6.5 से 7 के मध्य, यानी कि 6.5 से 7 के मध्य उसका पीएच मान होना चाहिए। ठीक है, अगला सवाल देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
फूल गोभी में विप टेल रोग किसकी कमी से होता है? अब ये इस फूल गोभी का आज तक का सबसे ज्यादा बार पूछा गया सवाल है। ये फूल गोभी का आज तक का सबसे ज्यादा बार पूछा गया सवाल है कि फूल गोभी में विप टेल रोग किसकी कमी से होता है। तो ऑप्शन नंबर ए है आपका मोलिब्डेनम, बी है आपका बोरोन, सी है आपका मैग्नीशियम और डी है आपका नाइट्रोजन। बताइए जल्दी से, फूल गोभी में विप टेल किसकी कमी से होता है? मोलिब्डेनम से, बोरोन से, मैग्नीशियम से या फिर नाइट्रोजन से? जवाब देना है। जिसने इसका जवाब दिया है ऑप्शन नंबर ए वाला मोलिब्डेनम, बिल्कुल सही जवाब है। फूल गोभी में विपटेल किसकी कमी से होता है? फूल गोभी में विपटेल जो रोग होता है, बेसिकली ये एक कायिक विकार है, रोग नहीं है, दैहिक विकार है या वहाँ पर रोग भी लिखा हुआ आ सकता है। तो इसका जो आंसर होगा वो आंसर होगा मोलिब्डेनम से। अब मोलिब्डेनम के बारे में मैंने एक चीज़ बताई थी कि इसको अल्ट्रा माइक्रो न्यूट्रिएंट भी कहते हैं या इसको अति सूक्ष्म पोषक तत्व के नाम से भी जानते हैं। तो ये बेसिक फंडा है, क्लियर कर दिया है मैंने, इसको भूलना नहीं है आपको, ठीक है। अगला सवाल देखिए क्या है। नेक्स्ट है, फूल गोभी में ब्राउनिंग रोग या ब्राउनिंग नामक काय की विकार किसकी कमी से होता है? मैं अभी दो तीन बताऊंगा आपको, ये सारे के सारे इंपोर्टेंट है, बार बार आए हुए हैं। इसमें से जो मोलिब्डेनम वाला था वो बहुत ज्यादा बार आया हुआ है और फिर उसके बाद भी सारे के सारे बता दूंगा। तो फूल गोभी में ब्राउनिंग जो होता है वो किसकी कमी से होता है? मोलिब्डेनम से होता है, बोरोन से होता है, मैग्नीशियम से होता है या नाइट्रोजन से होता है? जिसने इसका जवाब दिया है बोरोन की कमी से, ब्राउनिंग यानी कि बोरोन की कमी से, बिल्कुल सही जवाब है। तो फूलगोभी में जो ब्राउनिंग होगा, ब्राउनिंग नामक फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर किससे होगा? बोरोन की इफिशियंसी यानी कि कमी से हो जाएगा। अगला सवाल देखिए क्या है। नेक्स्ट है हमारा, फूलगोभी में क्लोरोसिस, बक्लोरोसिस नहीं है, क्लोरोसिस है, ये बे डिलीट नहीं हुआ, तो क्लोरोसिस रोग किसकी कमी से होता है? फूल गोभी में क्लोरोसिस रोग किसकी कमी से होता है ये बताना है आपको, क्लोरोसिस रोग किसकी कमी से होता है। ऑप्शन नंबर ए है मोलिब्डेनम, बी है बोरोन, सी है मैग्नीशियम और डी है आपका नाइट्रोजन। फिर मैं ये भी बता दूंगा कि क्लोरोसिस होता क्या है। पहले जवाब दीजिए, फूल गोभी में क्लोरोसिस रोग किसकी कमी से होता है? अब देखिए, जिसने इसका जवाब दिया है ऑप्शन नंबर सी वाला मैग्नीशियम, बिल्कुल सही जवाब है। क्लोरोसिस का मतलब होता है हरी मानहीनता। फूल गोभी में क्या होता है, जो पत्तियां होती हैं वो हरी नहीं रहती हैं, वो पीली पड़ना चालू हो जाती है। वो पीली पड़ना चालू क्यों होती है? क्योंकि उसमें मैग्नीशियम की कमी हो जाती है। अब देखिए, इसको समझना है अपने को ध्यान से, किसी भी पेड़ पौधे को हरा करने के लिए किसी भी पेड़ पौधे को हरा रंग प्रदान किया जाता है। वो हरा रंग किससे प्रदान किया जाता है? मैंने बताया था आपको, हरित लवक के द्वारा, ठीक है। बताया था मैंने आपको, जब मैंने बायोलॉजी पढ़ाई थी तब मैंने बताया था कि किसी भी पौधे को हरा रंग प्रदान करने के लिए हरित लवक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब हरित लवक का जो केंद्रीय पोषक तत्व होता है वो मैंने बताया था मैग्नीशियम। अब जब उसका केंद्रीय पोषक तत्व मैग्नीशियम की कमी हो गई है मिट्टी में, उसको मैग्नीशियम नहीं मिल रहा है, तो हरित लवक की मात्रा घटेगी। अब हरित लवक की मात्रा घटेगी तो पौधा हरा नहीं होगा, वो हरा नहीं होगा, वो पीला पड़ना चालू हो जाएगा। और इसी प्रकार से फूलगोभी में क्लोरोसिस या हरिमानहीनता होती है, हरिमानहीनता हो जाती है। तो समझ गए ना आप, अब आपको समझ में आ गया होगा कि मैग्नीशियम किस प्रकार से हरित लवक को संबंध बनाता है, हरित लवक के अंदर उपस्थित होता है और हरित लवक क्या करता है, पौधों को हरा रंग प्रदान करना। तो मैग्नीशियम कमी होती है सीधा हरित लवक कम होंगे, हरित लवक कम होती है सीधा पौधा हरे से पीला पड़ना चालू हो जाएगा। क्लियर है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है देखिए हमारा, अगला सवाल है, फूल गोभी में बटनिंग रोग किसकी कमी से होता है? अब यहाँ पर पूछा गया है फूल गोभी के अंदर जो बटनिंग होता है वो किसकी कमी से होता है। तो ऑप्शन नंबर ए है मोलिब्डेनम, बी है बोरोन, सी है मैग्नीशियम और डी है आपका नाइट्रोजन। अब जो बच्चे कन्फ्यूज होते हैं वो सबसे ज़्यादा यहीं पर होते हैं, वो ब्राउनिंग और बटनिंग में कन्फ्यूजन हो जाता है उनसे, कि ब्राउनिंग को कैसे याद करें और ब्राउनिंग को कैसे याद करें और बटनिंग को कैसे याद करें। तो जवाब दीजिए इसका क्या होगा, जिसने इसका जवाब दिया है नाइट्रोजन, बिल्कुल सही जवाब है। जो फूल गोभी में बटनिंग की समस्या होती है वो नाइट्रोजन से होता है और ब्राउनिंग की जो समस्या होती है वो बोरोन से होती है। अब इसमें लफड़ा ये है कि अगर आप ट्रिक भी बनाना चाहते हो तो ट्रिक भी नहीं बनती। क्यों नहीं बनती है? क्योंकि इसमें भी बी आ रहा है और इसमें भी ने आ रहा है और इसमें इसके अंदर भी एन आ रहा है और उसके अंदर बोरोन वाले में भी बी आ रहा है और इसमें भी बी आ रहा है, ठीक है। तो ऐसी ट्रिक बनती नहीं है, इसलिए आपको दिमाग में रखना है कि एक चीज़ याद रख लो, एक चीज़ को कंटस्थ याद रख लो, दूसरी खुद ब खुद याद हो जाएगी। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि अगर आपको पूछ ले कि ब्राउनिंग किसकी कमी से होता है या आपको पूछ ले कि बटनिंग किसकी कमी से होता है तो वो याद रख लेना, दूसरा खुद ब खुद याद हो जाएगा। तो बटनिंग रोग याद रख लो, बटनिंग किससे होगा, नाइट्रोजन से होगा, इसको कंटस्थ याद कर लो, फिर जैसे ही ब्राउनिंग पूछेगा तो समझ में आ जाएगा कि नाइट्रोजन से तो नहीं होता है, फिर क्या हो जाएगा, उसका आंसर बोरोन हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। तो इस प्रकार के बेसिक फंडे बताऊंगा मैं आपको। अगला सवाल क्या है, फूलगोभी में होलो स्टेम, फूलगोभी में होलो स्टेम का मतलब होता है, मतलब
जो पत्तियाँ होती हैं वो झुलस जाती हैं और उनमें धब्बे बन जाते हैं। तो फूलगोभी में होलोस्टेम रोग किसकी कमी से होता है? ऑप्शन नंबर ए है आपका नाइट्रोजन की अधिकता से, बी है आपका बोरोन की कमी से, सी है ए और बी दोनों, और ऑप्शन नंबर डी है आपका मोलिब्डेनम। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना है आपको, फूलगोभी में होलोस्टेम रोग किसकी कमी से होता है, फूलगोभी में होलोस्टेम रोग किसकी कमी से होता है। अब देखिए जिसने इसका जवाब दिया है ऑप्शन नंबर सी वाला, ए और बी दोनों बिल्कुल सही जवाब है। फूलगोभी के अंदर जो होलोस्टेम समस्या उत्पन्न होगी वो किसके कारण होगी? एक तो नाइट्रोजन की अधिकता हो गई, अगर नाइट्रोजन हमने अधिक मात्रा में डाल दिया है और उस कंडीशन में अगर बोरोन की भी कमी है तो क्या हो जाएगा? होलोस्टेम हो जाएगा। तो फूलगोभी में अगर नाइट्रोजन की अधिकता है, बोरोन की कमी है, तो उस कंडीशन में होलोस्टेम हो जाएगा। वो आपसे ऐसे भी पूछ सकता है, वो ज़रूरी नहीं है कि ये आपको दोनों ऑप्शन देखने को मिले, वो ये भी कह सकता है कि नाइट्रोजन की अधिकता से, वो ये भी कह सकता है कि बोरोन की कमी से। तो दोनों ही जवाब ध्यान रखने हैं आपको, ठीक है। अगला सवाल देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फूलगोभी में लीफनेस और फज्जीनेस क्या है? फूलगोभी में लीफनेस और फज्जीनेस नामक कायिकीय विकार यानी कि फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर किसके कारण होते हैं? ऑप्शन नंबर ए है आपका उच्च ताप, बी है आपका अधिक वर्षा, सी है आपका कम वर्षा और डी है आपका पाला पड़ना। अब लीफनेस और फज्जीनेस, यहाँ पर दो क्वेश्चन क्लियर हो गए आपके। अगर आपसे पूछ ले कि लीफनेस और फज्जीनेस किसमें होता है, तो लीफनेस और फज्जीनेस किसमें होता है? फूलगोभी के अंदर होता है। फिर आपसे पूछ ले किससे होता है, तो इसका जवाब आपको देना है। कोई बात नहीं, इसका जो जवाब होगा वो होगा उच्च तापमान। जब अधिक तापमान पड़ता है तो अधिक तापमान के कारण क्या हो जाता है? अधिक तापमान के कारण लीफनेस मतलब पत्तियां जो होती हैं वो सूखकर नीचे की तरफ झुक जाती हैं, और इस कंडीशन को लीफनेस और फज्जीनेस के नाम से जानते हैं। हालांकि दोनों ही अलग अलग नाम है, लीफनेस अलग होता है और फज्जीनेस अलग समस्या होती है। फज्जीनेस में पत्तियों में विशेष प्रकार का आपको आकृति देखने को मिलती है, उनमें बदलाव आ जाता है, उनके नॉर्मल नहीं रहते हैं, वो कटफट जाते हैं, तो इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये दोनों ही फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर फूलगोभी से संबंध रखते हैं, तो वो आपसे ये भी पूछ सकता है लीफनेस या फज्जीनेस का संबंध या कायिक विकार किस फसल से है, तो इसका जवाब हो जाएगा फूलगोभी से है, और उच्च तापमान के कारण, अधिक तापमान के कारण या हाई टेम्परेचर के कारण ये होते हैं, ठीक है, क्लियर है। अगला सवाल देखिए क्या है, नेक्स्ट है हमारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा गया है फूलगोभी में ब्लाइंडनेस नामक कायिक विकार किसके कारण होता है? ब्लाइंडनेस पूछा है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ब्लाइंडनेस किसके कारण होगा? ऑप्शन नंबर ए है आपका उच्च तापमान, बी है अधिक वर्षा, सी है कम वर्षा और डी है आपका पाला, जिसको फ्रॉस्ट के नाम से भी जानते हैं, पाले को फ्रॉस्ट के नाम से जानते हैं। उच्च ताप, अधिक वर्षा, कम वर्षा या पाला, फूलगोभी में ब्लाइंडनेस बताना है आपको, फूलगोभी में ब्लाइंडनेस। अब वहाँ पर देखिए एक चीज़ पहले बता देता हूँ मैं आपको, अगर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो आप, अगर वहाँ पर ब्लाइंडनेस नहीं आता, क्योंकि इंग्लिश में तो आपको पता है कि ब्लाइंडनेस ही लिखा हुआ आएगा वहाँ पर, लेकिन हिंदी में वहाँ पर ब्लाइंडनेस लिखा हुआ नहीं आया और वहाँ पर लिखा हुआ आ गया अंधापन, तो दोनों ही एक ही चीज़ है, अंधापन और ब्लाइंडनेस दोनों एक ही चीज़ है, तब आपको उसका जवाब उसी के अनुसार देना है, ठीक है। तो अभी इसका आंसर क्या हो जाएगा? पाला। जिन क्षेत्रों में पाला अधिक पड़ता है उन क्षेत्रों में फूलगोभी में एक फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर या कायिक विकार उत्पन्न हो जाता है और उसको हम अंधापन या ब्लाइंडनेस के नाम से जानते हैं, ठीक है। फिलहाल के लिए आप इतना ही याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, फिर अपन एक्सप्लेन कर लेंगे आगे जब पढ़ेंगे तब, ठीक है। अगला सवाल देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूलगोभी का हानिकारक कीट है। अब देखिए ये सबसे खतरनाक कीट है, सबसे बार बार पूछा जाने वाला, कीटों के अंदर, फूलगोभी में कीटों के अंदर बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, और इवन ये तो सुपरवाइजर के एग्जाम में भी आ चुका है। तो अब जवाब देना है कि फूलगोभी का सबसे हानिकारक कीट कौन सा होगा। ऑप्शन नंबर ए है आपका डायमंड बैक मोथ, बी है आपका डीबीएम, सी है आपका प्लूटेला ज़ाइलोस्टेला और डी है आपका उपरोक्त सभी। बताइए जल्दी से फूलगोभी का हानिकारक कीट क्या होगा। ध्यान से आपको पूरी क्लास अटेंड करनी है, मैं कह रहा हूँ आधी से ज़्यादा क्लास हो चुकी है, पूरी क्लास को ध्यान से अटेंड करना है, बहुत कुछ सीख के जाओगे। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है। देखिए अब इसका जो जवाब होगा वो जवाब वैसे उपरोक्त सभी होगा, क्या होगा? फूलगोभी का सबसे हानिकारक कीट कौन सा माना जाता है? फूलगोभी का सबसे हानिकारक कीट माना जाता है डायमंड बेक मोथ, लेकिन इसको हम डीबीएम के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि देखिए डी का मतलब डायमंड का मतलब डी, बेक का मतलब बेक और मोथ का मतलब एम, ठीक है। लेकिन ये कभी कभी क्या होता है, ये ऑप्शन ऐसा देता है, वो एग्जामिनर डीबीएम लिख देता है शॉर्ट फॉर्म में। अब डीबीएम लिख दिया उसने तो आप समझ नहीं पाओगे, आप कहोगे सर ने हमें पढ़ाया नहीं, इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि डायमंड बेक मोथ को ही डीबीएम कहते हैं।
देते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना तो वो डायमंड बेक मोथ देता है और ना वो डीबीएम देता है, वो उसका सीधा उसका जूलॉजिकल नेम दे देता है, जंतु वैज्ञानिक नाम दे देता है। तो इसका जंतु वैज्ञानिक नाम भी आपको याद करना पड़ेगा, प्लूटेला ज़ाइलोस्टेला। और मैं ये कह रहा हूँ कि प्लीज़ मैं आप सभी से रिक्वेस्ट है, एक बार इसको लिख लीजिए, एक बार लिखोगे, दो बार लिखोगे, दिन में तीन बार इसको देखिए। लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ज़रूर से आएगा ये सवाल, ये सवाल ज़रूर से आएगा, जो मुझे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगता है मैं उस पर जोर दे देता हूँ। तो बताइए जल्दी से इसका जवाब क्या होगा, इसका जो लिखना है आपको कॉपी में लिख लीजिए, प्लूटेला ज़ाइलोस्टेला, इसको डीबीएम भी कहते हैं, इसको डायमंड बेक मोथ के नाम से भी जाना जाता है, और बेसिकली ये फूल गोभी में नुकसान पहुंचाता है। हालांकि ये गोभी वर्गीय सब्जियों में सब में होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा नुकसान ये किस में पहुंचाता है, फूल गोभी के अंदर, जिसको कॉलीफ्लावर कहते हैं उसके अंदर पहुंचाता है। अगर इंग्लिश मीडियम का कोई स्टूडेंट देख रहा है तो वापस से एक्सप्लेन कर देता हूँ, ये जो डायमंड बेक मोथ है इसको डायमंड बेक मोथ ही बोला जाता है इंग्लिश के अंदर, और ये कॉलीफ्लावर का सबसे हार्मफुल इंसेक्ट है, कॉलीफ्लावर का सबसे हार्मफुल इंसेक्ट है। और इस कॉलीफ्लावर के सबसे हार्मफुल इंसेक्ट को कई बार मेन एग्जाम्स में ICRBHU CGPAT के एग्जाम्स में जेट में पूछा जा चुका है, तो आप इसको थोड़ा सा अच्छे से देख लें। एक चीज़ और कहना चाहूँगा, आप अगर कोई इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट देख रहा है अभी, तो अभी कमेंट मत करना, अभी कमेंट मुझे शो नहीं होगा, आपको कमेंट करना है क्लास खत्म होने के बाद में, कितने स्टूडेंट हैं जो फिलहाल हमारी इंग्लिश मीडियम की क्लास, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं। तो ऐसे लिखना है, पहले तो आपको दो कमेंट करने हैं, आपको दो कौन से कमेंट करने हैं, एक कमेंट तो क्लास के बारे में करना है कि समझ में आया या नहीं आया या क्लास कैसी लगी, दूसरा कमेंट ये करना है आई एम इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट, तो मुझे समझ में आ जाएगा, फिर मैं उस हिसाब से ज़्यादा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। अगला सवाल देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गोभी वर्गीय सब्जियों में गंध किस कारण आती है। बहुत ही खतरनाक सवाल है, बताइए जल्दी से, गोभी वर्गीय सब्जियों में गंध किस कारण आती है। ऑप्शन नंबर ए है आपका डाइमिथाइल ट्राइसल्फाइड, बी है आपका सीनीग्रीन, सी है आपका ए और बी दोनों, और डी है आपका कोई नहीं। अब बताइए गोभी वर्गीय सब्जियों में गंध किस कारण आती है, गोभी वर्गीय सब्जियों में गंध किस कारण आती है, ये बताना है आपका, डाइमिथाइल ट्राइसल्फाइड, सीनीग्रीन, ए और बी दोनों, या ऑप्शन नंबर डी है आपका कोई नहीं, बताइए जल्दी से। अब देखिए जिसने इसका जवाब ए और बी दिया है उनका थोड़ा गलत है जवाब, क्योंकि उनको आदत पड़ चुकी है, अब वो हर सवाल का जवाब ए और बी देना चाहते हैं। देखिए अपनी बुद्धि का थोड़ा सा इस्तेमाल करके दिया करें, हालांकि मैं मानता हूँ कि आप सभी लोग की तैयारी अच्छी हो गई है, तो उस अच्छी तैयारी को अपने को और ज़्यादा अच्छी करनी है, ठीक है। तो गोभी वर्गीय सब्जियों की अगर गंध की बात की जाएगी तो उसका आंसर होगा डाइमिथाइल ट्राइसल्फाइड, क्या होगा डाइमिथाइल ट्राइसल्फाइड इसका आंसर हो जाएगा, और डाइमिथाइल ट्राइसल्फाइड के कारण ही गोभी वर्गीय सब्जियों में विशेष गंध आती है। अब देखना कभी आप इस गंध को आप सूंघोगे तो ये गंध आपको किससे मिलती जुलती मिलेगी, ये गंध आपको सरसों के तेल से थोड़ी सी मिलती जुलती मिलेगी, मूली से थोड़ी सी मिलती जुलती मिलेगी, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसको कोरिलेट करके याद कर सकते हो। अब आप कहोगे कि सर सीनीग्रीन वाला क्या सीन है, ये भी बता दीजिए कि सीनीग्रीन क्या है, तो ये भी बताऊंगा मैं अभी आगे। देखिए अब नेक्स्ट क्या है, गोभी वर्गीय सब्जियों में तीखापन किस कारण आता है। तो अभी मैंने जो पीछे वाला क्वेश्चन कराया था इसमें क्या था, गंध का मतलब यानी कि इसमें जो स्मेल आती है या खुशबू आती है या बदबू आती है वो डाइमिथाइल ट्राइसल्फाइड के कारण आती है। अगर आपसे पूछ ले कि गोभी वर्गीय सब्जियों में तीखापन, आप पत्ता गोभी की जो पत्तियाँ होती है उसको खा के देखना, कभी आपको तीखेपन का एहसास होगा। गोभी में भी होता है ये, फूल गोभी के अंदर भी होता है ये, लेकिन एहसास नहीं होता इतना, और जो घाट गोभी होती है उसमें भी होता है, लेकिन उसमें बहुत कम माइनर मात्रा में होता है, क्योंकि घाट गोभी तो उल्टा मीठी लगती है खाने में। तो अब तीखापन का कारण आपको जवाब दे सीनीग्रीन क्या हो जाएगा, गोभी वर्गीय सब्जियों में तीखापन का कारण क्या है, गोभी वर्गीय सब्जियों में तीखापन का कारण हो जाएगा सीनीग्रीन, क्या होगा तीखापन का कारण सीनीग्रीन हो जाएगा, ठीक है। गोभी वर्गीय सब्जियों में तीखापन का बता दिया मैंने, सीनीग्रीन के कारण होता है, ठीक है। अगला सवाल देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फूलगोभी को सूर्य के तेज तापमान से बचाने के लिए कौन सी क्रिया की जाती है। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज करते हैं। अब बिल्कुल सारा कुछ सब कुछ बंद कर दीजिए, लाइव चैट बॉक्स वगैरह सब कुछ बंद कर दीजिए और ध्यान से समझिए मैं जो बोल रहा हूँ। देखिए सबसे पहले तो देखिए फूलगोभी को सूर्य के तेज तापमान से बचाने के लिए क्या करते हैं, ब्लांचिंग करते हैं। अब ब्लांचिंग प्रोसेस जो होता है हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर के हॉर्टिकल्चर सेगमेंट में ब्लांचिंग दो प्रकार की क्रिया होती है। अब कौन कौन सी होती है उसको समझना है। सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगा फ्रूट
प्रिजर्वेशन के अंदर, यानी कि जब हम फल पाक जैम वगैरह बनाते हैं तो उसमें हम एक प्रोसेस करते हैं, उसको बोलते हैं हम ब्लांचिंग। उसमें क्या करते हैं, फलों को गर्म उबलते हुए पानी में डाला जाता है और 1 से 2 मिनट रखा जाता है और तुरंत उनको ठंडे पानी में डाल दिया जाता है, जिससे क्या हो जाता है उनके ऊपर की जो स्किन होती है, उसके ऊपर का जो छिलका छाल होती है वो सॉफ्ट हो जाती है और उनका जो रंग होता है वो भी इंक्रीज हो जाता है और उनकी खुशबू वगैरह सब कुछ ठीक हो जाता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, इसीलिए हम ब्लांचिंग प्रोसेस करते हैं। किस में करते हैं ब्लांचिंग प्रोसेस, हम जब जैम जेली मुरब्बा अचार सॉस चटनी आदि बनाते हैं तो उस दौरान क्या किया जाता है, फलों को 5 मिनट तक, 2 से 5 मिनट तक गर्म उबलते पानी में डाला जाता है, फिर उसको तुरंत ठंडे पानी में डाल दिया जाता है। इसी क्रिया को हम ब्लांचिंग के नाम से जानते हैं। लेकिन अब चूंकि ब्लांचिंग 2 जगह होती है तो एक ब्लांचिंग प्रोसेस जो होता है वो होता है आपके फूल गोभी के अंदर, सिर्फ और सिर्फ फूल गोभी के अंदर ही होता है, पत्ता गोभी में नहीं होता है। अब देखिए इसमें क्या होता है, इस गोभी के अंदर क्या होता है कि जब सूरज का तेज तापमान सीधा फूल गोभी का जो फूल होता है, जो वाइट कलर का फ्लोवर होता है, उसके अंदर पड़ता है, तो उस कारण क्या होता है, उस कारण जो वो तेज तापमान पड़ता है, उस कारण बहुत ज़्यादा तापमान के कारण फूल गोभी का जो कलर है वो पीला पड़ने लगता है और काला पड़ने लगता है। तो इसी दौरान हम क्या करते हैं, जो फूल गोभी की पत्तियां होती हैं उस पत्तियों से उसको ढक देते हैं और ये क्रिया ब्लांचिंग प्रोसेस कहलाती है। अब वापस से मैं समझा देता हूँ आपको, एक बार रुकिए थोड़ा सा। अब देखिए ब्लांचिंग प्रोसेस वापस से समझा देता हूँ एक बार, फूल गोभी के अंदर मैं वापस से समझा देता हूँ। देखिए फूल गोभी में क्या होता है कि फूल गोभी का जो फूल होता है वो सफ़ेद कलर का फूल होता है और जितना सफ़ेद फूल होगा उतनी ही हमें मार्केट में क्या मिलेगी, ज़्यादा कॉस्ट मिलेगी, ठीक है। तो अब क्या होता है कि जब तेज तापमान पड़ता है तो तेज तापमान के कारण जो फूल गोभी का सफ़ेद फूल होता है वो हल्का पीले पड़ने लगता है और पीले से वो हल्का काला भी पड़ने लगता है। ये किस कारण होता है, तेज तापमान के कारण होता है। तो इससे बचाने के लिए हम क्या करते हैं, फूलगोभी की जो नीचे वाली पत्तियां होती हैं उन पत्तियों को तोड़ लिया जाता है और उसको उसके ऊपर ढक दिया जाता है। इससे जो हमारा फूलगोभी का फूल होता है वो बिल्कुल सफ़ेद बना रहता है और इसी के साथ साथ वो दूसरे जो कीटों के रोगों के प्रकोप से भी बच जाता है। तो ब्लांचिंग प्रोसेस 2 प्रकार से होता है, मैंने समझा दिया है और ये सवाल ज़रूर से आएगा। अब देखिए नीचे एक प्रोसेस दिया गया है बोल्टिंग। अब बोल्टिंग मैंने बताया था, बोल्टिंग समझाया था मैंने, प्याज के अंदर होता है बोल्टिंग। जब मैंने प्याज बताया था तो उसमें मैंने बताया था कि अधिक तापमान के कारण क्या होता है कि तने का सही विकास नहीं हो पाता, तना कटफट जाता है, और इसी प्रकार से मैंने बोल्टिंग प्रोसेस भी आपको समझाया था, ठीक है। तो अगर वो क्लास आपने अटेंड नहीं की है तो प्याज वाली पूरी क्रॉप आपको अटेंड करनी है, और अगर आप नए स्टूडेंट हो और आपने मैंगो वाली क्लास भी अभी तक अटेंड नहीं की है तो मैंगो वाली क्लास अटेंड कर लेना, उसमें मैंने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अगर डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक नहीं मिलता है कोई दिक्कत नहीं है, लास्ट में आपको मिल जाएगा। वहाँ पे भी नहीं मिलता है तो आप प्लेलिस्ट में जाके खुद देख सकते हो, आराम से मिल जाएगी आपको, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है वो भी। तो अब समझ में आ गया आपको ब्लांचिंग प्रोसेस, बोल्टिंग प्रोसेस, ये इतने अच्छे तरीके से आपको कोई एक्सप्लेन नहीं करेगा। सिर्फ एक प्लेटफॉर्म है पूरे इंडिया में जिसका नाम है इंपीरियल एग्रो क्लासेस, ठीक है। तो अगर न्यू स्टूडेंट हो तो सब्सक्राइब कर दो यार, अब तो सब्सक्राइब करना बनता है आपका, इतने अच्छे तरीके से मैंने कर दिया। फूल गोभी को सूर्य के तेज तापमान से बता दिया। अब देखिए इसमें भी एक क्वेश्चन और नेक्स्ट आया है नया निकल के, क्वेश्चन क्या है, फूलगोभी को सूर्य के तेज तापमान से बचाने के लिए कौन सी किस्मों का उपयोग किया जाता है। अब ऑप्शन नंबर ए है आपका सेल्फ ब्लांचिंग, बी है आपका सेल्फ बोल्टिंग, सी है आपका स्प्राउटिंग टिप और डी है आपका लीफलेस। अब इसको ध्यान से समझिए। देखिए फूलगोभी की जो वैज्ञानिक है हमारे देश के, उन्होंने बहुत सारा रिसर्च करके ऐसी कुछ किस्में विकसित कर ली हैं जो सेल्फ ब्लांच हो जाती है। सेल्फ ब्लांच का मतलब उसकी जो पत्तियां होती हैं वो ऑटोमेटिकली उसको उस फूल को क्या कर लेती है, कवर कर लेती है। इसका मतलब, मेरा कहने का मतलब ये है कि जो फूल होता है वो बीच में होता है, उसके चारों तरफ क्या होती है, पत्तियाँ होती है। लेकिन जो सामान्य वेराइटीज़ होती है उसमें पत्तियाँ क्या हो जाती है, बाहर की तरफ जाती है और वो जो फूल होता है वो नग्न रहता है, बिल्कुल न्यूड रहता है, ठीक है। लेकिन जो सेल्फ ब्लांचिंग वैरायटी होती है, सेल्फ ब्लांच वैरायटी होती है, उसमें जो पत्तियां होती है साइड में निकली हुई, वो पत्तियां उस फूल के ऊपर चली जाती है। वो पत्तियां कहाँ चली जाती है, उस फूल के ऊपर चली जाती है और उसको कवर कर लेती है। उसको कवर करने के कारण वो सूर्य के तेज तापमान से बच जाता है और जो कलर है वो बिल्कुल वाइट का वाइट बना रहता है, ठीक है। तो अब समझ में आ गया होगा आपको कि फूलगोभी को सूर्य के तेज तापमान से बचाने के लिए हम ब्लांचिंग प्रोसेस करते हैं और इसकी अगर किस्में पूछ ले तो सेल्फ ब्लांच किस्में, ठीक है, सेल्फ ब्लांच वैरायटीज़ का इस्तेमाल किया जाता है। अगला सवाल देखिए क्या है। अब सिर्फ थोड़ी सी क्लास और बची है जो इंपॉर्टेंट है। मैंने पहले बताया था आपको कि इंपॉर्टेंट को मैं लास्ट में करता हूं ताकि आप पूरी क्लास अटेंड करो। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, प्राइड ऑफ इंडिया किसकी किस्में, प्राइड ऑफ इंडिया किसकी किस्म है,
बार बार ये सवाल पूछा जाता है, इसलिए मैंने इसको क्या किया, इसलिए मैंने इसको ऐड किया है। ऑप्शन नंबर ए है आपका फूल गोभी, बी है आपका पत्ता गोभी, सी है आपका गांठ गोभी और डी है आपका कोई नहीं। अब प्राइड ऑफ इंडिया बताना है आपको, प्राइड ऑफ इंडिया इसको वो वहाँ पर ऐसे भी दे सकता है भारत का गर्व, भारत का गर्व किसकी वेरायटी है, तो इसका जो जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा पत्ता गोभी। प्राइड ऑफ इंडिया किसकी वेरायटी है, प्राइड ऑफ इंडिया पत्ता गोभी की वेरायटी है। ठीक है, अगला सवाल देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला सवाल है पूसा ड्रम रेड किसकी किस्म है, पूसा ड्रम रेड किसकी किस्म है, फूल गोभी की है, पत्ता गोभी की है, गांठ गोभी की है या ऑप्शन नंबर डी है आपका कोई नहीं। बताइए जल्दी से पूसा ड्रम रेड किसकी किस्म है, पूसा ड्रम रेड जिसने जवाब दिया है पूसा ड्रम रेड का पत्ता गोभी बिल्कुल सही जवाब है। जो पूसा ड्रम रेड है वो ब्लैक लेग या ड्राई रोट के प्रति प्रतिरोधक किस्म है और ये एक पछेती किस्म है। पत्ता गोभी की पछेती किस्म पूछ ले आपसे कौन सी है, तो पत्ता गोभी की पछेती किस्म हो जाएगी पूसा ड्रम रेड। ठीक है, क्लियर है। अगला सवाल देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पत्ता गोभी की अगेती बीज दर, अब इसका जवाब आपको देना है। पत्ता गोभी की अगेती बीज दर, ऑप्शन नंबर ए है आपका 450 से 500 ग्राम, बी है आपका 500 से 600 ग्राम, सी है आपका 600 से 700 ग्राम और डी है आपका 800 से 900 ग्राम। अब बताइए जल्दी से पत्ता गोभी की अगेती बीज दर क्या होगी, पत्ता गोभी की अगेती बीज दर, अगेती का मैंने बताया था अभी हिंदी मतलब अर्ली सीड रेट। जिसने इसका जवाब दिया है पत्ता गोभी की अगेती बीज दर का, जिसने जवाब दिया है इसका 450 से 500 ग्राम बिल्कुल सही जवाब है। पत्ता गोभी की अगेती बीज दर हमेशा 450 से 500 ग्राम रखी जाती है। अगर आपसे पछेती पूछा जाता है तो पछेती बीज दर हो जाएगी 375 ग्राम। अब देखो थोड़ा सा कन्फ्यूजन यहाँ पर आपको ऐसे हो सकता है कि आप जो वेराइटी जो सीड रेट पढ़ रहे हो उसमें थोड़ा सा वेरिएशन देखने को मिल सकता है आपको, क्योंकि एकदम बिल्कुल सटीक ढंग से आपको सीड रेट किसी में भी नहीं मिलेगी। तो वो आपसे जब आपको एग्जामिनर पूछेगा एग्जाम में, तो वो हमेशा रेंज में पूछेगा आपसे सीड रेट, जिसकी सटीक होती है उसकी तो सटीक होती ही है, लेकिन इसके अलावा वो आपसे क्या पूछेगा, रेंज में पूछेगा। वो ऐसे पूछेगा 450 से 500 ग्राम, तो कहीं आपने 500 पढ़ा होगा और किसी ने 450 पढ़ा होगा तो इसका आंसर सही हो जाएगा। वो बिल्कुल सटीक बिल्कुल मिलते जुलते आंसर नहीं देगा आपको, पहले कह देता हूँ मैं, बिल्कुल मिलते जुलते ऑप्शन आपको वो नहीं देगा, अगर देगा तो वो सवाल डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि सर हमने ये पढ़ी थी आप ये पढ़ा रहे हो, थोड़ा सा अंतर देखने को मिल सकता है, सिर्फ थोड़ा सा ही मिलेगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए क्या है, नेक्स्ट है हमारा, पत्ता गोभी की सघन रोपण हेतु प्रसिद्ध किस्म है, पत्ता गोभी की सघन रोपण हेतु, अब देखिए सघन रोपण समझ लीजिए एक बार, सघन रोपण चीज होती क्या है, सघन का मतलब होता है पास पास, क्या होता है सघन का मतलब होता है पास पास उगाए जाने वाली की। तो पत्ता गोभी की ऐसी कौन सी किस्म है जिसको पास पास उगाया जा सकता है, तो पूसा चिकनी, फिर उसके बाद में पूसा संबंध, फिर उसके बाद में पूसा अगेती और फिर है सिंथेटिक। अब बताइए जल्दी से पत्ता गोभी की सघन रोपण हेतु प्रसिद्ध किस्म, अब सिर्फ कुछ क्वेश्चंस और बचे हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अटेंड करना है। पत्ता गोभी की सघन रोपण हेतु प्रसिद्ध किस्म कौन सी हो जाएगी, पूसा चिकनी, पूसा संबंध, पूसा अगेती या फिर सिंथेटिक। अब देखिए जिसने इसका जवाब दिया है पूसा संबंध बिल्कुल सही जवाब है। पत्ता गोभी की सघन रोपण हेतु प्रसिद्ध किस्म कौन सी होगी, पत्ता गोभी की सघन रोपण हेतु प्रसिद्ध किस्म मानी जाती है पूसा संबंध। ठीक है, पूसा संबंध किस्म को माना जाता है, तो ध्यान रखना पूसा संबंध किस्म किसकी है, पत्ता गोभी की है और सघन रोपण हेतु, सघन रोपण हेतु मतलब कि कम क्षेत्र में ज़्यादा पौधे उगाने हेतु या पास पास उगाने हेतु उपयुक्त मानी जाती है। ठीक है, अगला सवाल बस कंप्लीट हो चुका है, मामला इतना ही था, मैंने कहा था कि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे बता दिए मैंने आपको, तो इसके अलावा मैं कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देता हूँ आपको, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए सबसे पहला तो ये है कि जो हमारा व्याधियाँ होती हैं इसके अंदर, उसमें एक तो सफ़ेद फफोला या सफ़ेद रोली होती है जो आपको एल्ब्यूगो कैंडिडा के कारण होती है, तो इसको मैं वापस से ध्यान से समझाना चाहूँगा। देखिए पत्ता गोभी और जो सरसों वाली जो किस्में होती हैं, सरसों वाली जो फसलें होती हैं, यानी सरसों वाली फसलें तारामीरा, फिर उसके बाद में आपका राई, फिर उसके बाद में आपका सरसों पीली सरसों हो गई और उसके बाद में ग्रोबी वर्गीय सब्जियाँ, या आप इसको सीधा सीधा यूँ समझ लीजिए कि जितनी भी क्रूसीफेरी वर्ग की जो सब्जियाँ और फसलें होती हैं उनमें क्या होता है, एक विशेष प्रकार का कवक लगता है, उसमें एक विशेष प्रकार का कवक लगता है और उस वो कवक क्या करता है, सफ़ेद फफोला या सफ़ेद रोली रोग उत्पन्न करता है। कौन सा करता है, सफ़ेद फफोला या सफ़ेद रोली रोग उत्पन्न करता है और उस कवक का नाम है एल्ब्यूगो कैंडिडा। उसका नाम क्या है, उसका नाम है एल्ब्यूगो कैंडिडा। फिर से ध्यान से समझ लीजिए एक बार, वापस से समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बाद में कुछ दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, फिर खत्म करेंगे। देखिए जो क्रूसीफेरी वर्ग
यानी क्रूसीफेरी फैमिली है, उसके अंदर एक विशेष प्रकार का रोग लगता है जिसको सफ़ेद फफोला या सफ़ेद रोली के नाम से जानते हैं। अगर आपसे पूछ ले कि ये किसके द्वारा लगता है तो ये कवक के द्वारा लगता है। अगर इस कवक का नाम पूछ ले तो इस कवक का जवाब देना है आपको एल्ब्यूगो कैंडिडा, ठीक है। फिर भी अगर आपसे पूछ ले समझ में नहीं आता है आपको तो कवक जवाब देना है, एल्ब्यूगो कैंडिडा जवाब देना है, और उपचार पूछ ले तो प्लांट वैक्स नामक एक दवाई आती है उससे इसका नियंत्रण या छिड़काव करके इसको कंट्रोल किया जाता है, ठीक है। तो ये पूरी कहानी थी आपके पत्ता गोभी, फूल गोभी और गांठ गोभी की, ठीक है। तो गांठ गोभी आपके सिलेबस में चूंकि इतना नहीं है इसलिए मैंने इसको इसमें इंक्लूड नहीं किया, ठीक है। अब देखिए, अब जो बनता है सवाल वो ये बनता है कि किसमें सर, किसमें आपने नहीं बताई, तो किसमें मैं नेक्स्ट वैरायटी में बताऊंगा क्योंकि क्लास बहुत हद से ज़्यादा बड़ी हो गई है। तो मैं जो क्वेश्चन है वो मैं आपको नेक्स्ट अभी थोड़ी देर बाद में एक वीडियो अपलोड करूंगा, उस वीडियो में जाके आप देख लेना, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही करेंगे, मिलेंगे ठीक 6:30 बजे, तब तक के लिए नमस्कार। और एक चीज़ और बोल देता हूँ, 6:30 बजे से पहले लगभग 4 से 5 वीडियोज़ आएगी छोटी छोटी, उसमें आपको बहुत ही नॉलेजफुल वीडियोज़ मिलेगी, तो वो सारी वीडियोज़ आप अटेंड कर लेना ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिल सके, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, आप सुरक्षित रहिए, घर पर रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, लेकिन घर पर ही रहिए, बाहर तो कोरोना है। धन्यवाद।